नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और इस दौरान हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। जब हम पितरों को श्राद्ध के दिनों में तृप्त कर देते हैं तो वो देवों तक हमारी प्रार्थना बड़ी सुगमता से पहुंच जाती है। शास्त्रों द्वारा मनुष्य के लिए तीन प्रकार के ऋण अर्थात कर्तव्य बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञों द्वारा देव ऋण से और श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाने का रास्ता बताया गया है। अक्सर ऐसा सुना गया है कि श्राद्ध केवल पुत्री ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। श्राद्ध कर्म पुत्रियां भी कर सकती हैं। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है। वनवास के दौरान जब श्री राम भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए जो उनसे पिंडदान के लिए कह रही थीं। इसके बाद माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे उनकी आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। गरुण पुराण के एक श्लोक के मुताबिक ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। यदि पत्नी जीवित न हो तो सगा भाई या भतीजा, भांजा, नाती पोता भी श्राद्ध कर सकते हैं। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई रिश्तेदार या फिर कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं महिलाओं के लिए श्राद्ध करने के क्या है नियम। जानकारों के अनुसार महिलाएं श्राद्ध कर्म करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय महिलाएं केवल सफेद अथवा पीले सादे वस्त्र धारण करके ही श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सफेद शांति का और पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है। श्राद्ध करते समय कुश और जल के साथ तर्पण न करें, साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। ध्यान रखें, केवल विवाहित महिला ही श्राद्ध करने की पात्र हैं। यदि पूर्वजों की तिथि याद नहीं है तो बच्चे का पंचमी को, बुजुर्ग का और पुरुष का नवमी को श्राद्ध किया जा सकता है। उन्हें जल से ही तर्पण कर्म करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।